अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 29 जुलाई से 23 नवंबर तक खुशियों, खुशहाली और वसत का सियारा मुश्तरी बुर्ज हमल में रुजत की हालत इख्तियार करेगा। मुश्तरी का रेट्रोग्रेड दोनों तरह की तब्दीलियां पैदा करेगा, यानी कुछ मामलात में तंगी और परेशानी पैदा होगी और कुछ इंतहाई अहम मामलात में आपको फवायद हासिल होंगे। मुश्तरी का रेट्रोग्रेड यूं तो तमाम बुरूज को मुतासर करेगा, लेकिन एरीज, सजिटेरियस और पाइसेस जोडिक साइन के लोगों पर बहुत गहरे असरात मुरतब करेगा। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपका जोडिक साइन एरीज, सजिटेरियस या पाइसेस है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, एरीज यानी बुर्ज हमल से वाबस्ता ख़वातीनो हज़रात के लिए जुपिटर का रेट्रोग्रेड आपकी ज़ाती शख्सियत पर बहुत गहरे असरात मुरतब करेगा। मुश्तरी 11 मई से तरीकामों, माली मामलात और घरेलू मामलात में मायूसी ला सकता है। ये रेट्रोग्रेड आपकी औलाद के हवाले से आपकी उम्मीदों को कम कर सकता है। इसके अलावा आपकी किस्मत के मामलात पर भी इसके असरात मुरतब होंगे। मुश्तरी के असरात बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से भी एहतियात तलब होंगे। आपके माली निज़ाम को मुतासर करते हुए जुपिटर रुपये पैसे के मामलात में रुपये पैसे के फ्लो को कुदरती तौर पर कम कर सकता है। 29 जुलाई को मुश्तरी पीछे हटना शुरू कर देगा। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में दोबारा सीधी चाल के लिए मूड बनाएगा और बिलाखिर 23 नवंबर को डायरेक्ट चाल चलना शुरू कर देगा। मुश्तरी जो कि नेकी और खुशी के साथ चीज़ों में जुरतमंदाना इकदाम करने का प्लैनेट है, रुजत की हालत में आपको किसी मामले में खुद पर ज़्यादा दबाव डालने की ज़रूरत की तरफ ले जा सकता है। मुश्तरी का रेट्रोग्रेड यहाँ आपके लिए चंद मामलों में परेशानियाँ और उदासियाँ ला रहा है, वहीं साथ में आपको कुछ दिलचस्प फवायद भी देगा। ये वक्त आपके लिए ऐसा होगा कि आप मौके की तलाश में मामूल और रूटीन से ज़्यादा एक्टिव तरीके से काम कर रहे होंगे। ये रेट्रोग्रेड आपके लिए खुद की तशख़ीस करने और अपने अंदर के पेचीदा निज़ाम को आसान करने के लिए अहम साबित होगा। मुश्तरी आपको 29 जुलाई के बाद रेट्रोग्रेड की हालत में रूहानियत, मजहब और अपने बातन की तरफ ले जाएगा। आपकी तवज्जो खुद पर पहले से ज़्यादा होगी। आप ऐसे उलूम की हकीकत से आशना हो सकते हैं जो आम लोग और खुसूसन मादा परस्त लोगों की पहुंच से दूर है। आपकी रूहानी हालत ऐसी होगी कि आप रूहानी मामलात की तरफ दिलचस्पी लेंगे। आपके लिए ये वक्त रूहानियत के मौजू पर आगे बढ़ने और आपके अंदर मौजूद पेचीदा मामलात को दुरुस्त करने का बायस होगा, लेकिन आपको माली मामलात और आपकी किस्मत के मामलात के साथ चंद घरेलू परेशानियाँ भी पेश आ सकती हैं। सजिटेरियस यानी बुरकों से वाबस्ता ख़वातीनों हज़रात के लिए 29 जुलाई से जब मुश्तरी जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है रेट्रोग्रेड की हालत में उल्टी चाल चल रहा होगा, आपके लिए कई मामलात में तब्दीलियां पैदा कर सकता है। आपका रूलिंग प्लैनेट होने की वजह से आप पर इसका रेट्रोग्रेड ज़्यादा गहरे असरात मुरतब करेगा। आपकी शनाख्त और आपकी तख्लीकी सलाहियतों के मामलात इस दौरान तब्दील हो सकते हैं। आपको चाहिए कि 29 जुलाई के बाद बैरूनी कामों को आगे बढ़ाने के बजाय अपने अंदर की तरफ मुड़ें और अपने आप को ऐसे पहलुओं और एंगल से रूशनास कराने की कोशिश करें जिसको आप पहले नज़रअंदाज और इग्नोर करते रहे हैं। आपने पहले जो सीख लिया है उसे नई शक्ल देने और मजीद समझने के लिए यह एक बेहतरीन वक्त होगा। आपके जायचे के पाँचवें घर में मुश्तरी आपको औलाद के मामलों में एहतियात का मशवरा देता है। औलाद के मामलों में कुछ स्ट्रेस पैदा हो सकती है, औलाद से वाबस्ता मामलों में कुछ उलझने सर उठा सकती हैं। मुश्तरी की रुज्जत दूसरों से वाबस्ता उम्मीदों में आपको नाकाम कर सकती है। बैरून मुल्क सफ़र, इमिग्रेशन और वीज़े के मामलों में ताखीर और इल्तवा पैदा हो सकता है। आपकी शख्सियत पर मुश्तरी के असरात बहुत नुमायाँ तौर पर जाहिर होंगे। बाज़ काउस अफराद मुश्तरी के रेट्रोग्रेड के तहत अपने माली मामलों में परेशानियाँ और रुकावटें भी महसूस कर सकते हैं। आपके रुपये पैसे का फ्लो काफ़ी सुस्त रहेगा। आपको चाहिए कि 29 जुलाई से 23 नवंबर तक के दिनों में सफ़र करने में भी एहतियात से काम लें, क्योंकि मुश्तरी इस हवाले से भी असरात दे रहा है। खुदा खास्ता दौरान सफ़र आपको कोई हादसा या नागहानी मामला पेश आ सकता है। आपके लिए ये रेट्रोग्रेड ये समझने के लिए बहुत आम होगा कि आपने दुनिया में और पिछले अरसे में कितना काम किया और अब आपको इसका कैसा नतीजा मिल रहा है। मुश्तरी के रेट्रोग्रेड में बहुत से मुस्बत पहलू भी होंगे।
आप अपनी गलतियों को दुरुस्त कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सोच पर इसके असरात आपको खुद एहतसाबी और अपनी शख्सियत और अपनी ज़ात के मुतलक गौर व फिक्र करने के लिए अच्छे साबित होंगे। ज़माने के तजर्बात इस वक्त में आपके सामने आएंगे, लोगों की मिसालें आपको सबक लेने में मदद फराहम करेंगी। चांद इस दौरान आपकी जज्बाती कैफियत में उतार चढ़ाव पैदा करता रहेगा। बाज़ अफराद के लिए अपनी मनफी एनर्जी से डील करना इस मुद्दत में मुश्किल हो सकता है। आपके अंदर का खौफ और मुस्तकबिल के बारे में आपके अंदेशे आपको खुदा न खास्ता मायूसी की तरफ ले जा सकते हैं। अलबत्ता अगर मुस्बत ज़हनियत रखें तो मुश्तरिका पीछे हटना आपके फेथ और ईमान की बेहतरी के लिए मुआविन साबित होगा। आपके लिए खुद पर यकीन करने के लिए ये मौाक़े इंतहाई नादिर मौाक़े साबित होंगे। इस वक्त से फ़ायदा उठाते हुए अपने वजदान और अकायद और इर्द गिर्द की दुनिया की गहराई को समझने के लिए रहनुमाई हासिल करें। अलबत्ता आपके रुपए पैसे इमिग्रेशन और उम्मीदों के हवाले से ये वक्त थोड़ा कठिन हो सकता है। पाइसेस यानी बुर्ज हूद से वाबस्ता ख़वातीनों हज़रात 11 मई से मुश्तरी आपको खुशी और इंतहाई खुशहाली के असरात दे रहा था। 11 मई से अब तक आपने जो कामयाबियां हासिल की हैं उन पर गौर करने और इस वक्त से हासिल शुदा फवायद का जायज़ा लेने के लिए ये वक्त बेहतरीन वक्त साबित होगा। ज़हन साजी करने और अपने ख्वाबों के मामलात में मनफी रुझानात से छुटकारा हासिल करने और वहम वगैरह से निकलने के लिए ये वक्त बहुत आम होगा। आपके लिए ये वक्त अपने नज़रियात का असर नो जायज़ा लेने और अपने जहन में मौजूद सूफियाना ख्यालात और रूहानी ख्यालात को देखने के मौाक़े होंगे। मुश्तरिका रेट्रोग्रेड 29 जुलाई से आपके माली निज़ाम पर गहरा असर डालेगा। आपके रुपए पैसे के फ्लो में कमी पैदा हो सकती है और पेमेंट के मामलों में सुस्ती पैदा हो सकती है। रुपए पैसे से मुतलका कामों में बिला वजह कोई रुकावटें बन सकती हैं। आपको इस दौरानिये में फजूल खर्ची के मामलों का भी सामना हो सकता है। मुश्तरी के असरात खसूसी तौर पर मुलाजमत पेशा अफराद की नौकरी के मामलों में स्ट्रेसफुल माहौल पैदा कर सकते हैं और सेहत के मामलों में भी पाइसेस ख्वातीनों हजरात को मुश्किल आ सकती हैं। कारोबारी मामलों पर भी मुश्तरी का रेट्रोग्रेड असरअंदाज होगा। बाज़ अफराद अपने कारोबार में मंदी के रुझानात को देख सकते हैं, क्योंकि मुश्तरी आपके लिए इल्म और हिकमत के मामलात में भी असरात डालता है। आपका रूलिंग प्लैनेट होने की हैसियत से मुश्तरी आपकी शख्सियत के मामलात में भी अहम किरदार अदा करेगा। फिलॉसफी और ज़िंदगी के दीगर शोबों से वाबस्ता उसूलों पर सवाल उठाने के लिए मुश्तरी आपकी हौसला अफजाई करेगा। आपकी रूहानी ज़िंदगी के लिए मुश्तरी का रेट्रोग्रेड इंतहाई अहम हो सकता है, क्योंकि इस दौरान आपको आपकी सोच और फिक्र के लिहाज से वसत मिलेगी। कोई गैर मामूली तजर्बा करने और किसी ऐसे काम में भी आप दिलचस्पी ले सकते हैं जिसका आप पहले प्रोग्राम नहीं बना रहे होंगे। अलबत्त बाज़ पाइसेस अफराद में चबाने से ज़्यादा काटने के रुझानात भी पैदा हो सकते हैं। आपकी ज़ाती ज़िंदगी पर मुश्तरी की रुझत के असरात आपकी शख्सियत पर असरअंदाज होंगे। अगर आप पर कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो वो रिलीज़ हो जाएगा। इस रेट्रोग्रेड से आप अपनी रूह को रोज़मर्रा के दबाव और स्ट्रेस से बाला तर करके खालिस शऊर के